Hello everyone, in this video lecture we are going to discuss about some important definitions in vector algebra. First one is equal vectors. Two vectors are said to be equal vectors if they have equal magnitude and same direction. दो वेक्टर जो हैं वो इक्वल वेक्टर कब कहलाएंगे, अगर उनका दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड हो और दोनों सेम डायरेक्शन में लाई करें. इसके लिए लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी. इफ दे वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन देन द टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल. सो हियर हमने दो वेक्टर ले लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर. सो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम है और मैग्नीट्यूड भी इनका इक्वल हो तो ये हमारे पास दोनों इक्वल वेक्टर होंगे. सो इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू वॉयज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मीन्स अगर मान लो दो वॉयज होंगे, एक ये ले लिया मैंने पी और दूसरा क्यू, अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब सपोज अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ वो मूव कर रहे हैं, अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करें और इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करें, अगर पी वाई जो है वो वन मिनट में 15 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है और क्यू भी वन मिनट में 15 मीटर डिस्टेंस कवर करे, तो इन दैट केस जो डिस्प्लेसमेंट होगा टू वाई का रनिंग इन द सेम डायरेक्शन इज सेम. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इक्वल वेक्टर्स. नेक्स्ट वन इज नेगेटिव वेक्टर. टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड व्हाट ड्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर्स. दो वेक्टर जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड हो व्हाट उनको हम ड्रॉन करें इन अपोजिट डायरेक्शंस then they are known as the negative vector. हमने यहाँ पे दो वेक्टर को कंसिडर कर लिया ए और बी. सो यह ए वेक्टर जो है और बी वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, जो डायरेक्शन है ए वेक्टर की वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और बी वेक्टर की नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ. तो इस तरह से हमारे पास जो ये दोनों वेक्टर होंगे ये आपके पास नेगेटिव वेक्टर होंगे. इन दिस केस मैग्नीट्यूड इक्वल होगा व्हाट अपोजिट डायरेक्शन में लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू वॉयज रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मींस दो लड़के हैं वो सेम पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करते हैं, मान लो ये पी आ गया दूसरा वॉय क्यू, पी जो है वो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है और जो आपके पास क्यू है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. और मान लेते हैं जो पी जो है वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है इन 20 सेकंड. सो अगर जो क्यू जो है वो भी 10 मीटर डिस्टेंस कवर करे इन 20 सेकंड व्हाट इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वेक्टर्स. नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर्स. टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड और कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर इफ दे आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग द पैरेलल लाइन इन द सेम डायरेक्शन, एक्ट अलोंग द सेम लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन और अलोंग द पैरेलल लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन. दो वेक्टर जो हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो या अनइक्वल, तो हम उनको कोलिनियर वेक्टर कब कहेंगे, अगर वो दोनों एक्ट कर रहे हैं अलोंग द सेम लाइन या अलोंग द पैरेलल लाइन इन द सेम डायरेक्शन और एक्ट अलोंग द सेम लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन और अलोंग द पैरेलल लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन. सो लाइक और पैरेलल वेक्टर्स. टू कोलिनियर वेक्टर्स which act along the same line or along parallel line in the same direction is called like or parallel vectors. दो collinear vectors जो कि act कर रहे हैं along the same line or along the parallel line in the same direction, then they are said to be like or parallel vectors. इसके लिए हमारे पास ये मैंने दो vector ले लिए a और b.
ये दोनों वेक्टर जो है इन दिस सिचुएशन सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। यहां पे ये दोनों पैरेलल हैं और यहां पे ये दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो मतलब ये किस तरह के हो गए, लाइक और पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट है अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। टू कोलाइडेड वेक्टर्स विच एक्ट अलोंग द सेम लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन और अलोंग पैरेलल लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर। दो कोलाइडेड वेक्टर जब वो एक्ट करते हैं अलोंग द सेम लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन में और पैरेलल लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन देन दे आर कॉल्ड अनलाइक और एंटी पैरेलल। सो हियर ये हमारे पास हो जाएगा एंटी पैरेलल वेक्टर। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेम लाइन में तो हैं, एक्ट कर रहे हैं, व्हाट इनकी डायरेक्शन जो है अपोजिट है, ए की पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, बी की नेगेटिव एक्सिस की तरफ।